रियल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइकॉन कॉलर आईडी कॉन्टैक्ट्स ऐप क्या है और इस ऐप को आप अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप भी इस ऐप को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करनी है। जैसे ही एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करके ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन की जो भी परमिशन मांगे उन परमिशन को अलाउ करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन की जो भी परमिशन हूँ परमिशन को यहाँ से अलाउ कर लेता हूँ। आपको भी सबसे पहले एप्लीकेशन की जो भी परमिशन हूँ परमिशन को अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस जा जाएगा। अलाउ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपके जितनी भी परमिशन है उन सब परमिशन को आपको अलाउ करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं एक एक करके सब परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। जिस मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर सिंपली यहाँ पर आपको डालने हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आपको भी सिंपली यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी कोड आएगा। उस कोड को सिंपली यहाँ पर आपको डालना है। जैसे ही ओटीपी कोड को डालेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर अपना जो भी नेम है उस नेम को डाल के इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं मेरा नाम डाल लेता हूँ। नाम डालने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो भी फ़ोटो है आप जो आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट है जितनी भी फ़ोटो रहेगी कॉन्टैक्ट में आपने डाली होगी वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐप कैसे क्या है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट रहेंगे उन कॉन्टैक्ट में आपके जितने भी फ़ोटो रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में फ़ोटो ऐड किए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आपको सिंपली उनको कॉल लगाने के लिए उन फ़ोटो पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर कॉल ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी कॉन्टैक्ट है यहाँ पर फ़ोटो ऐड है उनकी फ़ोटो यहाँ पर मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप जिस किसी कॉल लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पर सिंपली कॉल लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इसे ऐप को यूज कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन में SMS का ऑप्शन आएगा, यहाँ से किसी को भी SMS कर सकते हैं। किसी को कॉल नंबर यहाँ पर कॉल करना चाहते थे यहाँ से आप नंबर से कॉल डायल कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस एप्लीकेशन में। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस ऐप को अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। आप भी किसी भी कॉन्टैक्ट में फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।